हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक्स को जिसको कि हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेवल्स को ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा, सभी लॉजिक को ध्यान से समझिएगा जो हम लोग क्यों किस स्टॉक को क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं और किस लेवल पर ट्रेड करने वाले हैं, जिससे कि आप जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस रहेगा ट्रेड में, आप जो है बेटर वे में ट्रेड मैनेजमेंट कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, एनालिसिस अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार इसी टाइप के इंट्राडे स्टॉक्स और स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स जो है आपको यहां पे देते रहते हैं प्रॉपर लेवल्स के साथ, प्रॉपर जो है आपको हर एक सिचुएशन को बताते हैं जो किस सिचुएशन में आपको कैसे ट्रेड करना है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए, समझिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग लगातार इसी टाइप के एनालिसिस कंटेंट जो है इस चैनल पे डालते रहते हैं। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ अपडेट है। सबसे पहला अपडेट है मारुति पे। मारुति पे देखिए, कल यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो आपको यहाँ पे अब ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन एक बार फिर से जो है यहाँ पे रिट्रेसमेंट आज देखने को मिला। आज कंटिन्यू आपको यहाँ पे जो है एक अच्छा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको समवेयर अराउंड इस लेवल के अराउंड अगर मिलता है, 8300 के अराउंड मिलता है और स्टॉक अगर बुलिश साइन शो करता है, तो आप यहाँ पे पोजिशनली इसको होल्ड करने के लिए देख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है 8000 के नीचे आपको रखना है। एक बार अगर स्टॉक जो है अपने डायरेक्शन में मूव करेगा, उसके बाद फिर हम लोग स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। और जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और बात आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, जो देखिए आगे बजट है, तो बजट के समय वॉलेटिलिटी जो है ऑलरेडी आपको अभी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और ज्यादा वॉलेटिलिटी होगा और उसके बाद आपको बजट डे है। तो थोड़ा अपने पोजीशन साइज को अच्छे से मैनेज कीजिए और स्टॉप लॉस जो है थोड़ा आपको स्ट्रिक्टली प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में जो है अब थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा करेगा। सेकेंड स्टॉक है आपको इंडसइंड बैंक। यहाँ पे बहुत अच्छा एक ट्रेड मिला था, कल ही ट्रेड आपको एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पे मैंने आपको अपडेट भी किया था जो एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे जो है सेकेंड हाफ में आपको एग्जीक्यूट हुआ था। आज एक अच्छा प्रॉफिट भी मिला यहाँ पे, अगर देखेंगे तो 887 से आज अगर इसका हाई देखेंगे तो समवेयर अराउंड आपको 926 का हाई लगा था, और जब स्टॉक आपको 925-923 के अराउंड आपको ट्रेड कर रहा था समवेयर अराउंड इस लेवल पे, उसी टाइम पे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था जो यहाँ पे आपको आज ही एग्जिट कर जाना है, क्योंकि कल इसका रिजल्ट है और उसके बाद ही स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट आया। अभी भी स्टॉक जो है आपको बुलिश है, बट यहाँ पे रिजल्ट की वजह से, कल रिजल्ट आएगा, इसका रिएक्शन आपको मंडे को देखने को मिलेगा, तो वहां पे जो है वॉलेटिलिटी इस स्टॉक में बढ़ सकती है। इसी वजह से मैंने आपको रिकमेंड किया था जो आपको यहाँ से आज यहाँ जो भी प्रॉफिट मिल रहा है लेके आपको निकल जाना चाहिए। फिर भी अगर बहुत से लोग यहाँ पे नहीं निकल पाए हैं तो आपको मैं एक लेवल दे रहा हूँ, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको जा रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर आपको एग्जिट करने के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको पोजीशन रखने से कोई फायदा है नहीं, उसके बाद री एंट्री का मौका मिलेगा, फिर हम लोग जो है वहां पे री एंट्री करने के लिए देख सकते हैं। तो ये सब चीज जब मैं अपडेट करता हूं तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो आपको जो है कब स्टॉक से निकलना है, कब नहीं निकलना है। रिजल्ट की वजह से वॉलेटिलिटी आपको बढ़ सकती है, तीसरी वजह से अगर एफएनओ में पोजीशन है तो वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाता है। अगर आप अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करते हैं तो फिर जो है आप ट्रेड को कंटिन्यू रख सकते हैं। अब हम लोग इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है सन फार्मा। सन फार्मा में आज हम लोगों ने यहाँ पे आपको रखा था, जो अगर फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पे आपको एक 5 मिनट का बुलिश कैंडल बनाता है इस हाई के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आज आपको गैप अप खुला यहाँ पे, और गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम हुआ 840 तक, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द ट्रेडर नहीं इंटर कर पाए होंगे, क्योंकि ये मोमेंटम आपको बहुत फास्ट हुआ। अगर वो एंट्री में एग्जीक्यूट किए होंगे तभी उनका ऑर्डर लगा होगा, नहीं तो आपको 1 से 2 मिनट में स्टॉक ने एक अच्छा रैली दे चुका था। तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो है स्टॉक में आपको ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, एक और मूवमेंट उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे आप, जब यहाँ पे आपको कंटिन्यू इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा था और उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश एंगलफिंग कैंडल बनाया।
अगर आप मेरे एनालिसिस को कंटिन्यू देखते होंगे तो मैं आपको कंटिन्यू बोलता हूं, जो अगर कहीं पे सपोर्ट मिल रहा है और सपोर्ट पे अगर कोई भी आपको एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है जो स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो यहां से भी जो है ऑलमोस्ट आपको 10 पॉइंट का यहां पे एक अच्छा मूवमेंट हुआ। तो ये सभी चीजें आपको यहां पे ध्यान में रखनी चाहिए। अब नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसको अभी ट्रेड करने के लिए आपको नहीं देखना है, रीजन है जो आपको सन फार्मा का भी रिजल्ट है 31st को, तो इसी वजह से जो है इसको आप अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। सेकेंड स्टॉक है आपको हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी आज एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला था ओपनिंग के बाद। हम लोगों ने कल के एनालिसिस में ये डिसाइड किया था इस लेवल के ऊपर हम लोग इसको ट्रेड करने वाले थे। आज ओपनिंग कैंडल में ही आपको एक अच्छा यहाँ पे जो है बुलिश कैंडल मिला, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से थोड़ा सा वीक था, तो सेकेंड यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन हो गया जो ये आपको ऊपर की ओर निकल सकता है। उसके बाद ये आपको अच्छा ऊपर गया भी, फिर उसके बाद आपको रिट्रेसमेंट हुआ। रिट्रेसमेंट होने के बाद इस लेवल पे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किया था जो यहाँ से आपको हिंडाल्को जा सकता है। स्टॉप लॉस मैंने आपको यहाँ पे 497 का दिया था। उसके बाद आपको 6 रुपीज के पास ऊपर गया भी, जो यहाँ पे कि आपको ऑलमोस्ट 1:1.5 का एक अच्छा टारगेट मिला, लेकिन उसके बाद मार्केट आपको रिट्रेस बैक हुआ सेकेंड हाफ में, तो वहां से जो है फिर आपको ये स्टॉक नीचे चला गया। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग इसको भी अभी नहीं ट्रेड करने वाले हैं। थर्ड एक स्टॉक है आपको टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में भी आज एक अच्छा एंट्री मिला। अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने एग्जैक्ट यही लेवल डिसाइड किया था, जो अगर यहाँ पे आपको फ्लैट खुलने के बाद ऊपर निकलता है हम लोग यहाँ पे ट्रेड करेंगे। फ्लैट खुला, नीचे रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद आपको ये ब्रेकआउट किया, एक अच्छा यहाँ पे आपको मिला। उसके बाद जो है यहाँ से स्टॉक अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड जो है आपको 509 तक गया था। उसके बाद स्टॉक कहीं ना कहीं आपको लास्ट आवर में यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। तो कुल मिला के अगर देखेंगे तो यहाँ पे आज जो है 5 में से 3 स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्म किया। और अगर आप लोग भी थोड़ा सा वेट करके इसी तरह ट्रेड को लेते रहेंगे, प्रॉपर लेवल्स को नोट डाउन करके लेंगे, तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। जरूरी नहीं है जो आपको फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड मिल जाए, हो सकता है आपको वेट भी करना पड़े। और वही मैं बार बार बोलता हूँ जो आप लोगों को वेट करना चाहिए, अगर प्रॉपर लेवल्स मिल रहे हैं तो वहां पे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, जैसा कि आपको टाटा मोटर्स के केस में हुआ, हिंडाल्को के केस में हुआ। तो इन सभी लेवल्स को जो है आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट 5 स्टॉक है जिसको कि हम लोग ट्रेड करने के लिए देख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है उसमें आपको हेवल्स। हेवल्स आज के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रखा था। एग्जैक्ट यही ड्राइंग मैंने आपको बता के बताया था, जो यहाँ पे अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज कभी भी ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला। अगर आपको ध्यान होगा, मैं कंटिन्यू बोलता हूं, जो कहीं पे भी अगर आपको रेंज दिख रहा है उस रेंज को आप लोग जरूर ट्रैक कीजिए, वहां पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हेवल्स को हम लोगों ने शॉर्ट करने के लिए रखा था। देखिए यहाँ पे एक जो है आपको अच्छा बेस बना, एक बार यहाँ पे आपको फॉल्स ब्रेकआउट हुआ और ये अगेंस्ट ट्रेंड था, हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करने के लिए रखा था, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट बायस ही लेके चलना था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1160 के नीचे एक अच्छा कैंडल क्लोज दिया, वहां से कंटिन्यू 20 पॉइंट आपको एक अच्छा मूवमेंट मिला। लेकिन बहुत से लोगों ने कैप्चर नहीं किया होगा, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूं तो फिर आपको उसको कंटिन्यू वहां पे वॉच करना होगा जो कहां पे लेवल्स बन रहे हैं। जरूरी नहीं है जो इसी लेवल पे आपको बनेगा। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका था यहां पे 6-7 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ आपको एक अच्छा यहां पे प्रॉफिट मिलता। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हम लोग इसको कैसे ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले अगर डेली चार्ट में देखेंगे, कंटिन्यू आपको ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे भी देखिए आज भी ऊपर जाने का जरूर कोशिश किया था, लेकिन यहाँ पे फिर से ये प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज दिया है। 1150 के लेवल के नीचे एक अच्छा क्लोजिंग दिया है और ऊपर के लेवल से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे सकता है। अब अगर हम लोग लेवल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वेट करना है, इस लेवल के नीचे निकलने देना है। ये एक जो है आपको सपोर्ट जोन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है कंटिन्यू स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, छोटे टाइम फ्रेम में इस लेवल के नीचे कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। अगर फ्लैट खुलने के बाद एक 5 मिनट का कैंडल 1135 के नीचे आपको यहाँ पे क्लोजिंग देता है, तो फिर जो है आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे 1145 का रहेगा, 10 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे की साइड आपका टारगेट जो है
15 to 20 का आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए। सपोज इनकेस अगर यहाँ पे फ्लैट नहीं खुलता है और डायरेक्टली अगर गैप डाउन खुलता है इस लेवल के नीचे, तो आप ओपनिंग में ही इसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको 1135 पे ही मिल गया, आप वहां पे सेल कर सकते हैं। रीजन है जब मार्केट आपको नीचे जाता है या कोई भी स्टॉक अगर फॉल करता है तो वहां पे मूवमेंट फास्ट होता है। तो अगर आपको यहां पे ओपनिंग में ही 1135 मिल रहा है, जैसा कि आज अगर सन फार्मा के केस में देखेंगे तो ओपनिंग में ही आपको लेवल्स ब्रेक होता हुआ दिखा था, तो कुछ उसी टाइप से अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ पे ओपनिंग में भी शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर मार्केट थोड़ा सा भी नेगेटिव रहा तो आप डेफिनेटली वहां पे जो है थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है हेबल्स, आपको 1135 के नीचे शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका 10 पॉइंट का रहेगा, टारगेट आपका 15 to 20 पॉइंट का होगा। सेकेंड स्टॉक है आपको विप्रो। विप्रो में अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे भी क्लियरली जो है सारे के सारे आईटी सेक्टर में जो है यहाँ पे आपको बियरिसनेस दिख रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे आज ऊपर जाने का स्टॉक जरूर कोशिश किया था, लेकिन आपको यहाँ पे एक अच्छा जो है अपर वीक रिजेक्शन दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में जो है आपको एक बियरिस सेंटिमेंट अभी भी बना हुआ है, अभी भी लोग ऊपर के लेवल पे सेल करने के लिए ही यहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे ट्रेड करने वाले हैं, तो अगर 5 मिनट के चार्ट में हम लोग यहाँ पे चलते हैं और चार्ट को अगर थोड़ा सा हम लोग स्क्वीज करेंगे तो यहाँ पे जो है हम लोगों को एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी दिख रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ जो है आपको इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्लियरली 5 मिनट के चार्ट में दिख रहा है, और इस ट्रेंड लाइन को एक अच्छे तरीके से जो है आपको विप्रो रेस्पेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट करना है, लेकिन शॉर्ट आपको करना है 550 के लेवल के नीचे। अगर फ्लैट खुलने के बाद एक कैंडल 550 के नीचे आपको क्लोज होता है तो 4 to 5 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होगा। 555 के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। टारगेट जो है वो आपका 540 तक इस केस में हो सकता है। तो आपको लेवल्स ध्यान से नोट डाउन करना है, 550 के नीचे आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपका 555 का होने वाला है, टारगेट आपका 540 का होने वाला है। थर्ड स्टॉक है आपको आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे जो है एक अच्छा आपको बियरिश कैंडल यहाँ पे बना है। यहाँ पे आपको रिजल्ट के बाद एक अच्छा बुलिशनेस दिख रहा था, लेकिन ये आपको सस्टेन नहीं किया है और प्रीवियस 2 डेज के लो के नीचे जो है आपको क्लोजिंग दे चुका है। नियरेस्ट अगर हम लोग सपोर्ट यहां पे देखेंगे तो आपको 760-765 इस जोन में जो है आपको नियरेस्ट यहां पे सपोर्ट है। और अगर यहां पे पैटर्न देखेंगे डेली चार्ट में तो यहां पे कुछ इस टाइप से एक पुल बैक लिया, फिर आपको नीचे की साइड मोमेंटम किया, फिर पुल बैक लिया, फिर नीचे की साइड मोमेंटम किया। तो यहां पे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा जो है हम लोगों को शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। तो 5 मिनट के चार्ट में हम लोग इसको कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे जो है एक अच्छा जो है नीचे की साइड में आपको सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है, तो 780 के लेवल के अराउंड ये जो लेवल है 780 इस जोन में 780-785 इस जोन में जो है आपको एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पे भी लिया है इस लेवल पे, यहाँ पे भी लिया है और आज भी आपको इसी लेवल पे क्लोजिंग दिया है। तो अगर यहाँ पे फ्लैट खुलने के बाद एक 5 मिनट का कैंडल 780 के नीचे आपको क्लोज करता है तो यहाँ पे आपको 785 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट जो है वो यहाँ पे 8 to 10 पॉइंट का आपका होना चाहिए। अगर उससे भी ज्यादा भी मिल रहा है तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको कैप्चर कर सकते हैं। वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेड को मैनेज करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टॉक है आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अगर हम लोग डेली चार्ट पे एक बार ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट होने के बाद आपको रिट्रेसमेंट हुआ और इसी लेवल से जो है आज आपको यहाँ पे एक बुलिश कैंडल भी बना डेली चार्ट पे। उसके बाद आज एक अच्छा मोमेंटम हुआ 900 के लेवल पर, बट यहाँ पे जो है फिर से आपको सेकेंड हाफ में स्टॉक जो है रिट्रेस बैक कर गया। मार्केट के साथ जो है आपको यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हम लोग इस स्टॉक में बुलिश है क्योंकि जब तक ये आपको इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है यहाँ पे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो हम लोग जो है इस स्टॉक को आपको 5 मिनट के चार्ट में कैसे ट्रेड करेंगे इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे अगर आज देखिएगा आज का मोमेंटम यहाँ पे जो है एक अच्छा लो बना था और यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बना, लेकिन ये आपको ब्रेक नहीं हुआ।
ये लो आज आपको यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ और ये प्राइस जो है अब एक सपोर्ट की तरह इस स्टॉक के लिए काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए नीचे की साइड आ रहा था तो यहाँ पे मोमेंटम फास्ट नहीं था, ऊपर की साइड बहुत फास्ट गया लेकिन नीचे की साइड रिट्रेसमेंट उतना फास्ट नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये जो है आपको एक प्रॉफिट बुकिंग का साइन शो करता है या फिर डाउनसाइड मोमेंटम उतना स्ट्रांग नहीं है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक को हम लोग बाय साइड के लिए रखने वाले हैं और यहाँ पे आपको ट्रेड करना है। एक बार इस लेवल के ऊपर निकल जाए, 876 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग यहाँ पे इसको बाय करने वाले हैं। 876 के ऊपर 5 मिनट का कैंडल क्लोज करने दीजिए, हम लोग इस लेवल पे बाय करेंगे। 866 का आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको पैटर्न दिख रहा है, एक बार इस पैटर्न को ब्रेक होने दीजिए। 876 के ऊपर आपको एंटर करना है, स्टॉप लॉस 866 का होने वाला है। टारगेट जो है वो आपका 12 टू 15 पॉइंट का होने वाला है। और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो वॉलेटिलिटी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ज्यादा होने वाला है तो आपको पोजीशन साइजिंग अपना कम करके और ट्रेड को बेटर वे में मैनेज करना है। थोड़ा सा जो है आपको स्टॉप लॉस डीप रखना पड़ सकता है मार्केट वॉलेटिलिटी में, क्योंकि अगर छोटा स्टॉप लॉस टाइट स्टॉप लॉस रखेंगे स्टॉप लॉस आपका हिट होने का चांस ज्यादा रहता है। और लास्ट एक स्टॉक है आपको SBI, इससे पहले भी हम लोगों ने ट्रेड किया था, एक अच्छा प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पे फिर से अगर देखेंगे तो इससे लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम लोग देखेंगे ये लेवल पे इसने एक अच्छा ट्रेड हम लोगों को दिया था सेकेंड हाफ में, फिर से वापस रिट्रेस बैक करके आपको इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे जो है फिर से आपको एक अच्छा बाय साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। अब यहाँ पे हम लोगों को ट्रेड कहाँ करना है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे आपको इस हाई के ऊपर 527 के ऊपर जो है हम लोग यहाँ पे आपको बाई करने वाले हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 521 का, तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट जो है पहला टारगेट 535 का रहेगा, इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर आपको 540-545 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख के ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, स्टॉप लॉस को ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए और फिर जो है अपने ट्रेड को बेटर वे में मैनेज कीजिए। और जो भी मैं ट्रेड देता हूं उसको एटलीस्ट जो है आप लोग मॉनिटर करते रहिएगा। तो जरूरी नहीं है फर्स्ट हाफ में ही आपको ट्रेड मिले, हो सकता है आपको सेकेंड हाफ में भी ट्रेड मिल सकता है। तो इसलिए ये चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो ऐसा नहीं है जो फर्स्ट 15 मिनट में ट्रेड नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ टाइम के बाद आपको ट्रेड मिले। तो अगर आप लोग यहां से लेवल्स लेते हैं, स्टॉप लॉस लेते हैं, स्टॉक्स लेते हैं तो फिर उसको आपको प्रॉपर्ली वॉच करना होगा, क्योंकि आपको ट्रेड कभी भी मिल सकता है। ये मार्केट है, आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, आपको बस अपने अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सभी लेवल्स को नोट डाउन कर लिया होगा, लेवल्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, लॉजिक आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।